हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आलू गोभी पनीर के सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। ये देखिए, आलू मैंने बॉयल कर लिया है। अब देखिए मैं पनीर को कैसे करती हूँ। पहले मैंने पनीर को बॉयल कर लेती हूँ पानी में। देखिए ये पनीर बॉयल हो रहा है। इससे क्या होता है ना कि आपका पनीर एकदम से सॉफ्ट और एकदम से मतलब क्या कहते हैं, सॉफ्टी सॉफ्टी होता है, बिल्कुल कड़क नहीं होता है। देखिए एक दो मिनट तक मैं इसको पानी में बॉयल कर लूँगी पनीर को। उसके बाद आप लोग देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी आज की बनेगी। देखिए अब मैं पानी से इसको निकाल लूँगी पनीर को। देखते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए और ये जो पानी है ना पनीर का, इसको फेंकना नहीं है, इसको रख लेना है क्योंकि इसी को सब्ज़ी में डालना है। देखिए मैंने फिर से कढ़ाई रख दिया है गैस पे और मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है, टेस्टी बनती है। मैंने तेल डाल दिया, तेल गर्म होगा, गर्म होने के बाद ही मैं पनीर डालूँगी, नहीं तो चिपक जाता है ना पनीर जाके। बहुत बढ़िया से तेल गर्म हो गया है, अब मैं पनीर ऐड करूँगी इसमें। देखिए पनीर डाल दूंगी, पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पनीर का सब्ज़ी हर तरह से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि बस खाली मटर पनीर ही बनता है। इसको आलू गोभी आज देखिए मैं बनाई हूँ, बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए पूरा तेल गर्म था इसीलिए पनीर बिल्कुल नहीं चिपका, बहुत बढ़िया से ये फ्राई हो जाएगा। फिर मैं सब दिखाती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा सब्ज़ी बन रहा है या इसमें क्या कमी है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले। देखिए कितने बढ़िया ये पनीर फ्राई हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी, निकालने के बाद मैं इसमें गोभी फ्राई करूँगी। ये देखिए जैसे मैंने पनीर को फ्राई किया वैसे मैंने गोभी को फ्राई कर लूँगी। देखिए मैं गोभी भी फ्राई कर लूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गोभी भी फ्राई हो गया पूरे बढ़िया से, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करूँगी क्योंकि तेल थोड़ा कम हो गया। देखिए थोड़ा सा और मैंने इसमें तेल ऐड करूँगी। फ़ौरन में आप लोग देखिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये देखिए तेज़पत्ता है, लाल मिर्च है, दालचीनी है, जीरा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये मैंने फ़ौरन में डाल दिया। दो लौंग है, जैसे फ़ौरन चटक जाएगा ना। उसके बाद मैं इसमें दो बड़े प्याज काट के रखी हूँ। देखिए मैं प्याज ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया, अब प्याज को भी अच्छे से भूनना है। तब तक मैं आप लोगों को मसाला दिखा दूंगी, मसाला में क्या क्या डालना है इसमें। प्याज इधर भून रहा है तब तक मैं मसाला इधर तैयार कर लेती हूँ, मसाले में क्या क्या डालना है। देखिए ये लहसुन और अदरक है जिसको मैंने कूट लूँगी, कूट लूँ या मतलब पीस लूँ, मैंने कूट ही लूँगी इसको। देखिए अच्छे इसको कूट लेना है। देखिए हो गया, अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। ये धनिया पाउडर है, मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी होगा, देखिए 1 चम्मच हल्दी है,
जीरा पाउडर आधे चम्मच, आधे चम्मच गोलकी पाउडर है, सब्जी मसाला, ये गरम मसाले हैं, एक चम्मच गरम मसाला है। अच्छे से इसको पानी में मैं मिला दूंगी। देखिए ये गरम मसाले था, दो चम्मच मैंने सब्जी मसाले डाले थे। अच्छे से उसको पानी में मिला देना है। उसके बाद मैं इसमें देखिए प्याज भी भून गया इधर बढ़िया सा। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। देखिए मसाला ऐड करना है, मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मतलब भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए मसाला भून जाएगा, फिर आप लोग देखिए इसको मैं ढक दूंगी। देखिए बहुत अच्छे से मसाले को फ्राई करना है। अब मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक से क्या होता है ना कि मसाला भी बहुत जल्दी भून जाता है। देखिए मैं मसाला में ही नमक ऐड कर देती हूँ और जल्दी अब भून जाएगा। दो दो मिनट में मैं चलाती रहती हूँ। देखिए कैसा कलर आया इसका, पूरा ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें आलू मतलब ऐसे फोड़ के डाल दूँगी। देखिए मैं इसमें आलू ऐड कर दी। इसको अच्छे से चला लेना है। चलाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी देर बाद, एक मिनट बाद मैं गोभी भी ऐड कर दूंगी ताकि गोभी भी भून जाए अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से मसाले में सब चला गया आलू। अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूंगी ताकि गोभी भी भूने इसके साथ साथ। देखिए गोभी और आलू को दो तीन मिनट तक भूनना है ताकि अच्छे से मसाले इसमें सब चले जाए। दो तीन मिनट तक मैं भूनूंगी। सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी, एकदम टेस्टी सब्जी बनी थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए पूरे मसाले एकदम उसमें लग गया है, मिल गया है पूरे अच्छे से। अब देखिए मैं इसमें ये जो पनीर वाला पानी रखी थी ना, इसी पानी को मैं ऐड करूँगी इसमें, इसी पानी को डालूँगी। मैं पानी डाल दे, अच्छे से मिला लेना है ताकि सारे सब्जी इसमें मिल जाए। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। देखिए पनीर ऐड कर दूँगी। आप लोग को अगर पानी कम लगे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं अलग से पानी। देखिए मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करूँगी, मतलब ऊपर से डाल दूँगी। अब इसको उबाल आने देते हैं, मतलब खोलने देते हैं। जितना ग्रेवी चाहिए आप लोग उतना ग्रेवी रख सकते हैं। देखिए ये पूरा भाप है ना, भाप की वजह से ऐसे लग रहा है। देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम से टेस्टी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी।